अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं CSE ID के बारे में कि किस तरह से उसका आप ID और पासवर्ड ले सकते हैं। तो उससे पहले आपको TSE सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारा ये CSE का सीरीज चल रहा है और ये सीरीज में लगभग 10 से 12 वीडियो होने वाले हैं। तो 10 से 12 वीडियो में से ये हमारा चौथा वीडियो है। उससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से TSE सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, कितना पेमेंट होता है और साथ ही साथ मॉड्यूल 1 कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं दूसरे वीडियो में, और तीसरे वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह से मॉड्यूल 2 को कंप्लीट करना है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप मॉड्यूल 3 का कंप्लीट एग्जाम कर पाएंगे। और जैसे ही 10 मॉड्यूल आप कंप्लीट करते हैं इसके बाद आपके सामने आ जाता है फाइनल एग्जाम, और फाइनल एग्जाम कैसे पास आउट करना है उसके बारे में भी आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जाकर के पीछे के वीडियो देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस तरह से CSE ID को लिया जाता है और किस तरह से CSE ID लेकर के कौन कौन से सर्विस मिल जाते हैं और किस तरह से काम होता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी विस्तार पूर्वक हम पिछले के वीडियो में बता चुके हैं। और इस वीडियो में हम मॉड्यूल 3 के बारे में बात करने वाले हैं, मॉड्यूल 3 में आपको कैसे पास आउट करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम एक कंप्लीट एग्जाम दे करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से मैं पास कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी पास आउट कर सकते हैं। तो मॉड्यूल में पास करने के लिए 4 नंबर चाहिए, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 में से 4 नंबर कंपलसरी है पास के लिए, बाकी बाद आप जितना ज्यादा नंबर ला सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिट है। और फाइनल एग्जाम जो होने वाले हैं उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। अगर इन सभी को आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, हमारा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, हमारा फेसबुक आईडी भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर के हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मॉड्यूल 3 को कंप्लीट करते हैं।